तरह से जमात इस्लामी अलकिमत फाउंडेशन तहसीन हुजरू की जानिब से कोरोना वायरस से बचाव के लिए हिफाजती सामान तकसीम किया गया। कोरोना वायरस की पेश नज़र लॉकडाउन जैसे बंदिश की वजह से जमात इस्लामी अलखिदमत फाउंडेशन तहसील अजरो शिनका की जानब से कोरोना वायरस से बचाव की हिफाजती सामान की फरहमी को यकीनी बनाने के लिए पहले मरहला में THQ अस्पताल में किट्स, मास्क, सैनिटाइजर MS को फराहम किए। इस मौके पर जमात इस्लामी में मौजूद हैं और अलखिदमत फाउंडेशन तहसील हजरो की तरफ से हम जो है PPE किट्स, सैनिटाइजर और मास्क जो है वो MS साहब के हवाले कर रहे हैं। मेरे साथ मोहतरम अवैस असलम साहब हैं जो हमारे जय यूथ सूबा पंजाब शुमाली के सदर हैं और मोहतरम मौलाना हाफिज जाबिर अली खान साहब जो हमारे नायब अमीर जमात इस्लामी जिला अटक हैं और मरहला में अजरो 112 टेक के अफसरान को भी मास्क सैनिटाइजर तकसीम किए और बाद अज़ां पंजाब पुलिस सर्कल DSP अजरो असलम डोगर और म्यूनिसिपल कमेटी चीफ ऑफिसर को भी दिए। उन्होंने मीडिया को बताया कि बड़ा रिलीफ ऑपरेशन जारी है जमात इस्लामी का जो 2 माह से गली मोहल्लों जिला तहसीलों और पूरे पाकिस्तान के अंदर जारी है और एक बहुत बड़े बजट के साथ जो 1.5 अरब रुपए तक पहुंच चुका है जमात इस्लामी का ये बजट उसके अंदर हमने अवाम को रिलीफ दिया है। हम मुख्तलिफ AC साहिबान के साथ पुलिस स्टेशन जा रहे हैं, हॉस्पिटल्स में जा रहे हैं जहां पर हम जाकर ये PPE किट्स है जिसको हिफाजती किट कहा जाता है, उसके ग्लव्स हैं, सैनिटाइजर है और मास्क वगैरह है, ये हमने अवाम में भी तकसीम किए हैं, ये हमने हॉस्पिटल्स में भी दिए हैं, ये हमने ऑफिस के अंदर दिए हैं जो हमारे फ्रंट लाइन मुजाहिद हैं, डॉक्टर्स हैं, सैनिटरी वर्कर्स हैं या जितने भी अदारे हमारे काम कर रहे हैं हम उनको हराज तहसीन भी पेश करते हैं, उनको हम अपनी तरफ से गिफ्ट भी दे रहे हैं। हम एक अपनी सी कोशिश कर रहे हैं कि वहां तक हम पहुंच सकें और आज हम ऑफिस में आए हैं तो CO साहब को भी हमने ये गिफ्ट दिया जिसके अंदर किट्स हैं, सैनिटाइजर है और मास्क वगैरह शामिल है। तो अल्लाह ताला से हम दुआ भी करते हैं कि हम सब मिलकर क्योंकि ये हम सबका मसला है, पूरे पाकिस्तान का मसला है, जितने भी सरकारी और सिविल इदारे हैं सब मिलकर हमें इस वबा से छुटकारा भी हासिल करना है। मौलाना हमीद हैदर आवान जमात।